में आपका स्वागत है एंड आगे बढ़ते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट वन आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। पार्ट टू के अंदर हम 13 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रांस टू फिनाइल वन ब्रोमो साइक्लो पेंटीन। तो पेंटेन है नॉट पेंटीन, साइक्लो पेंटेन है आपका, किसके साथ है वन ब्रोमो। पहले तो कहीं पर भी ब्रोमिन लगा दीजिए, टू पर फिनाइल यानी कि पास पर फिनाइल, लेकिन एक दूसरे के ये किस पर है, ट्रांस पर है। तो ट्रांस मतलब क्या होगा, ये ऊपर अगर है तो इसको आप नीचे मान लीजिए, ठीक है, डैश पर मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो एच होगा वो डैश पर होगा और इसका वेज पर क्या होगा, एच। इधर की साइड क्या है, इधर एच डैश पर और इधर वेज पर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि एल्कोहलिक क्यू एच यहाँ पर लिखा हुआ है और जब भी एल्कोहलिक के एच है इसका मतलब रिएक्शन का टाइप है ई टू, ठीक है। अगर ई टू रिएक्शन का टाइप हो चुका है तो ई टू रिएक्शन ये बोलती है कि आपको जो लिविंग ग्रुप है, जैसे हमारा ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है वो, और जो बीटा हाइड्रोजन है जिस पर ब्रोमीन लगा होता है वो अल्फा होता है, पास वाला बीटा होता है, तो वो बीटा हमारे पास ऊपर नीचे दोनों साइड है। तो कुछ तो हमारा जो एल्कोहलिक क्यू एच की स्टीरियो केमिस्ट्री वो ये बोलती है कि जो आपका ब्रोमीन जो लिविंग ग्रुप है वो और जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए या अपोजिट होने चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो अगर मैं पीएच वाले बीटा हाइड्रोजन की बात करूं तो वो सेम सेम पोजीशन पर है, दोनों किस पर है, वेज वेज पर है, लेकिन जो दूसरा वाला है यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ तो उसमें एक डैश पर हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ से बाहर निकलेगा, तो बनाएगा क्या, तो वो बनाएगा आपका ये, और ये पीएच यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब भूल जाइए स्टीरियो केमिस्ट्री, क्योंकि जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर यहाँ दिया हुआ है उसके लिए आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। तो आप नंबरिंग करेंगे, अब इसका नंबरिंग करके आपको क्या मिलेगा, नंबरिंग आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले आपके डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा एक फंक्शनल ग्रुप है तो प्रेफरेंस गेन करेगा, और पीएच हमारा यहाँ पर क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, थ्री पर फिनाइल साइक्लोपेंटीन, यानी कि आपका डी ना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल CH3OH, और हमें पता है रिएक्शन कौन कर रहा है आपका, PHMGBR। अगर PHMGBR रिएक्शन कर रहा है इसके साथ तो एसिड बेस रिएक्शन होती है। देखो PHMGBR की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाएगा यहाँ पर, इसका ये पीएच नेगेटिव है वो इसका एच प्लस को ले लेगा, तो क्या बनाएगा PHH, और बाकी क्या रहेगा आपका MGBR और OMe, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, एक बेंजीन है और इसका मिक्सचर है, ठीक है। थर्ड 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2-dibromopropane, 2,2-dibromopropane कौन हील करेगा। तो प्रोपेन है तो सी तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि यहाँ तो दो ही कार्बन है, और 2,2-dibromo है तो यहाँ पर तो एक भी ब्रोमीन नहीं है पहले से, और एक ही मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, यानी कि हम केवल एक ही ब्रोमीन जोड़ पाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं बात करूंगा HBr की, तो HBr में क्या होगा यहाँ पर, जब आप H प्लस और Br बनाते हैं सबसे पहले H प्लस का अटैक करवाओगे, तो H प्लस अटैक इस पोजीशन पर करेगा, प्लस यहाँ छोड़ेगा ताकि Br अपना बैक बॉन्डिंग से उसको स्टेबल कर सके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1,1-dibromo मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा हमें, 1,1-dibromo प्रोपेन। बट हमारा जो दूसरा है, अब ये भी नहीं है, तीनों नहीं है, तो बचा तो यही आंसर होगा। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले एच प्लस अटैक करेगा, तो अटैक कहाँ करेगा, अंदर की तरफ, और यहाँ सी एच टू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक बी आर जो होगा, एक मॉलिक्यूल बी आर का वो अटैक कर देगा, ये मान लीजिए यहाँ पर बी आर ने अटैक कर दिया। अब एक पाई बॉन्ड और बच गया, तो अब क्या होगा, ये एच प्लस फिर अटैक करेगा, अब अटैक वहीं बाहर की तरफ ही होगा और पॉजिटिव वापस अंदर की तरफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बी आर का आपको माइनस दिख रहा होगा, लेकिन माइनस नहीं, वो अपने लॉन पेयर को बैक बॉन्डिंग से क्या करेगा, इसको देकर स्टेबल करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए। फिर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एल्किन एफोर्ट्स द कंपाउंड बी, हम जो कंपाउंड बी बनेगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये अलग अलग लिख जरूर दिया गया, लेकिन आप लोगों को पता है O3ZnH2 ये आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, यहाँ तो एल्डिहाइड बनता है कीटोन, बट क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग नहीं है डबल बॉन्ड के आसपास, तो यहाँ केवल एल्डिहाइड बनेगा 2 मोल, और 2 मोल क्या बन जाएगा आपका, CH3CH2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज, लिक्विड अमोनिया क्या होता है आपका, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो जनरली बर्च रिडक्शन की तरफ इससे ध्यान जाता है, लेकिन बर्च रिडक्शन में दो चीजें देखिए, Na लिक्विड NH3 जब ये रिएक्शन करता है तो एक तो आपका ये हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन कर सकता है और ट्रांस एल्किन बना सकता है एल्काइन को, लेकिन अगर इस सोडियम को, क्योंकि ये मेटल है, तो इस सोडियम को अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ गया तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा, और आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बाकी किसी के पास ये हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, बी के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड है, CH3 MgBx, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हमारा बेस है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बना देगा, CH4। इजी क्वेश्चन था। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4। तो पहले तो भाई C6H5 बना लो इसको, CH2, CH के ऊपर OH है, फिर यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव बनाता हूँ, अब H2SO4 है तो H+ क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक, और कंसंट्रेटेड है तो H2O बाहर निकाल देगा, तो H2O जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव को मैं यहीं रहने देता हूँ तो क्या होगा, अनस्टेबल है फिलहाल, ठीक है। तो ये स्टेबल कैसे बन सकता है, तो स्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके रेजोनेंस के पास लाना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन को क्या कर दो, शिफ्ट करवा दो, तो क्या बना, C6H5 CH है यहाँ पर, ये पॉजिटिव, ये क्या है आपका CH2 CH CH3 और ये CH3। अब आपको क्या करना है, इधर से तो हाइड्रोजन आ नहीं सकती, हाइड्रोजन इधर से आएगी तो ये हाइड्रोजन इसको देख कर क्या कर देगी, खुद बाहर निकल जाएगी और क्या बनाएगी आपकी, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH के साथ आपका क्या हो जाएगा, 2 mol of CH3 2। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपका आंसर, ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है 20, 1 mol of a symmetrical alkene on ozolysis gives 2 moles of an aldehyde having a molecular mass of 44 AU। मतलब जो भी इसको एटॉमिक मास पर यूनिटी बोलते हैं, यू लिखे या AMU लिखे एक ही चीज़ है वो, 44 है, तो 44 के लिए क्या करना होगा वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, सिमेट्रिकल एल्किन, एथीन हो सकती है, प्रोपीन नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि प्रोपीन आप ऐसे बनाओगे CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये सिमेट्रिकल का मतलब है कि इधर भी CH3 होना चाहिए था, तो ये तो एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ही नहीं, एसिमेट्रिकल नहीं है, 1 mol of asymmetrical, एसिमेट्रिकल एक साथ अगर लिख दिया जाता तो वो एसिमेट्रिकल होता, अ का मतलब है कि एक सिमेट्रिकल एल्किन। 1-butene की बात करेंगे तो 1-butene भी आपका ये होगा, तो ये भी एसिमेट्रिकल ही है, एसिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिक नहीं है। 2-butene की बात करेंगे तो हाँ ये हो सकता है आपका। अब 2-butene को अगर हम ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ओजोनोलिसिस कराने पर एल्डिहाइड देता है, तो मान लीजिए इसने एक एल्डिहाइड दिया CH3CHO, जब आप इसका एटॉमिक वेट निकालोगे तो 44 ही आएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि एथिन का आप करते तो आपको HCHO मिलता ओजोनोलिसिस पर, और HCHO से आपका जो एटॉमिक मास है 44 तक नहीं पहुंचता, तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, तो फॉर्मल्डिहाइड मिलने के लिए सीधी सी बात है कि जो भी आपका CH2 होगा वो कहाँ लगा होगा, टर्मिनल पर लगा होगा, बाकी देखी जाएगी। तो टर्मिनल वाले ग्रुप आइसोप्रोपाइल क्या होता है आपका, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है आपका कुछ इस तरीके से, CH3 C CH3 ये, तो अगर ये कुछ रहा प्रोडक्ट मान लो इस तरीके से, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहा तो ये तो कीटोन देगा। एसिटाइलिनिक ट्रिपल बॉन्ड, तो एसिटाइलिनिक ट्रिपल बॉन्ड तो एसिड ही दे सकता है, तो वो ये भी आंसर नहीं होगा इसका, मतलब ये दोनों आंसर नहीं है अभी। 2-ethylionic डबल बॉन्ड, देखो उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर ऐसा इथाइल इथाइल दोनों तरफ लगा दिया जाए इन, तो जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, CH3CHO, तो CH3CHO मिलेगा, तो वो एसिटाइलडिहाइड हुआ ना, फॉर्मल्डिहाइड का हुआ। वाइनाइलिक ग्रुप मतलब होता है ये CH, और फिर यहाँ पर कुछ भी जोड़ दो जो आपकी इच्छा पड़ रही है आगे, तो ये ग्रुप जब ब्रेक होगा तो ये आपको क्या दे सकता है, HCHO ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्लियर है यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एसीटोन एंड प्रोपेनल्डिहाइड, एसीटोन के लिए ये चीज़ होना जरूरी है, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तभी एसीटोन क्या मिलेगा आपको, मतलब ये इस तरीके से होगा तभी जब ब्रेक होगा तो आपको कीटोन देगा, तो इस तरीके की चीज़ प्रेजेंट होना वहाँ पर जरूरी है थोड़ी सी। तो 2-methyl-1-pentene, तो 2-methyl-1-pentene कैसे, 1-pentene है, 2-methyl है, तो ऐसा तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पर, ये बनना जरूरी था, वरना एसीटोन नहीं मिलता आपको, एसीटोन होता ना CH3CO CH3, तो ये ए तो आंसर नहीं हो सकता। 1-pentene ये तो फिर भूल ही जाओ, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। 2-butene का भी चांस नहीं है। 2-methyl-2-methyl और 2-pentene ये है आंसर आपका, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये ब्रेक होकर आपको ये दे देगा और दूसरा वाला क्या दे देगा आपको, डबल बॉन्ड OH CH3CH, तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, 23, 2-hexane gives trans 2-hexene on treatment with, तो आपको पता है बर्च रिडक्शन लिक्विड NH3 वही करेगा, LiLH4 तो रिएक्शन नहीं करता इनके साथ, PtH2 पूरा ही गायब कर देगा, हेक्साइन को हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा, H2PdBSO4 ये आपका ओजोनोन रिडक्शन है, और ये आपका 2-hexane को cis-2-hexene बनाएगा, ना कि ट्रांस तो ये बर्च रिडक्शन ही बना सकता। नेक्स्ट है, इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एजेंट, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि OH OH बचा हुआ है, डबल बॉन्ड भी बचा हुआ है, डबल बॉन्ड भी बचा हुआ है, ऑक्सीजन गायब हो गया,
तो क्लियर दिमाग जाता है कि अगर ये ऑक्सीजन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एल्डिहाइड ये कीटोन है आपका, अगर कीटोन गायब हुआ है इसका मतलब आपका या तो क्लिमेंशन रिडक्शन रहा होगा या फिर आपका वॉल किशनर रिडक्शन रहा होगा। क्लिमेंशन मतलब जड़ NaCl और वॉल किशनर मतलब NH2 NH2 OH। तो क्लियर है इसके अंदर कहानी कि अगर NaBH4 लोगे तो वो क्या करता आपका, इसको OH में कन्वर्ट करता, एल्कोहल बना देता, तो ये तो होगा नहीं। ये वॉल किशनर रिडक्शन है, यही आंसर है, क्योंकि वॉल किशनर रिडक्शन के अंदर वो किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, OH इनके साथ किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, केवल डबल बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड ओ है उसको कन्वर्ट कर देगा आपका किसके अंदर, एक एल्केन के अंदर। जेड एन एच जी एच सी एल की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो एच सी एल है ये थोड़ी तकलीफ दे सकता है आपको, ये क्या कर सकता है एच सी एल एच प्लस सी एल माइनस, इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इसके साथ आपका जो डिहाइड्रेशन टाइप का वो शो कर सकता है, या फिर ऐसा भी कर सकता है इसके एच टू को बाहर निकाल के सी एल का अटैक करवा दे, यानी कि ओ एच को सी एल से रिप्लेस कर दे, ये भी हो सकता है, यानी कि एस एन वन टाइप की रिएक्शन भी हो सकती है। तो ये सी पॉसिबल नहीं है। एन ए लिक्विड एन एच थ्री, ये तो रिएक्शन तब होती है जब आपका क्या हो एल्काइन, और एल्काइन किसमें कन्वर्ट हो एल्किन के अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपाउंड वुड गिव 5-कीटो-2-मिथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपको क्या देगा ये सब देने वाला, 5-कीटो-2-मिथाइल हेक्सेनल। तो ओजोनोलिसिस पे जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ये आपका इधर इधर CH3 जुड़ा हुआ है, और इधर आपका इधर की तरफ ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा यहाँ पर। तो 5-कीटो जब आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 पे कीटो आ तो रहा है पर ये जो मिथाइल है वो 3 पर चला गया। ठीक है, तो आप अगर ये 3 पर अगर यहाँ आ जाता तो हो जाता ना काम, तो फिर आप इसको देखो डायरेक्ट डी को, डी के अंदर एक पोजीशन इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है वो, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, खत्म, पानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द बंसन फ्लेम विच फ्लेम शोन इन द फिगर बिलो इज, तो इसका आंसर होता है आपका रीजन 2। रीजन टू इसका क्या है आपका आंसर हो जाएगा, इसमें मतलब कुछ बोलने ऐसा है नहीं, आंसर रीजन 2 ही है इसका, या आपने शायद पुरानी किताबों के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, जो आप छोटी क्लास में तो आपने पढ़ा होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट 300 केल्विन एंड 1 ATM 15 ml ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 375 ml एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम फॉर कंप्लीट कंबशन, यानी कि 20% ऑक्सीजन उसको चाहिए फॉर कंप्लीट कंबशन के लिए। पहले तो अब ऐसा मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन आपका CXHY, जो जनरल इसकी फॉर्म होती है वो लिख देते हैं, 4X+Y/4 और क्या ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका XCO2 आ जाता है, और ये क्या आ जाता है Y/2H2। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो कितना होगा आपका, 375 ml को रिक्वायर्ड 20%। ठीक है, तो 375 का 20% ले लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा आपका, 75 ml आ जाएगा इससे, इतना क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज देखो उसमें खुद ने बोला है कि 375 का केवल हमें 20% ही चाहिए। ठीक है, बाय वॉल्यूम, तो हमने लिख दिया कि भाई 375 का 20% क्या होगा आपका, 75 ml। क्लियर, अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट रिएक्शन, कि रिएक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि अगर वॉल्यूम वॉल्यूम के बारे में बात करूं कि 1 ml ऑफ CXHY को कितना रिक्वायर है, 4X+Y/4 ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्शन से हमें पता चल रहा है, 1 ml, 1 लिखा हुआ है ना इसके आगे, इसके आगे इतना लिखा हुआ है, तो 1 ml CXHY को 4X+Y/4 ml रिक्वायर है ऑक्सीजन। तो जो हमसे पूछा है 15 ml हाइड्रोकार्बन उसको कितना रिक्वायर होगा, फिर तो उसको कितना रिक्वायर होगा आपका कि 15 ml इक्वल टू कितना, मतलब ये जो मल्टीप्लाई होगा सॉरी ये कितना हो रहा है आपका 4X+Y/4, इतना जो वॉल्यूम निकल कर आया है ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिखी है कि 1 ml को अगर इतना रिक्वायर है तो 15 ml को कितना रिक्वायर होगा, तो 15 ml को जो रिक्वायर होगा वो मैंने यहाँ लिख दिया 15 ml × 4X+Y/4, और इतना ही ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करने वाला है वहाँ पर, आए बस समझ में। तो ये कितना हो गया आपका 4X+Y=20। अब आपके जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से वैल्यू पुट करके देख लो कि किस वैल्यू पर ये 4X+Y/20 बन जाएगा, तो आपका ये X=3 और Y=8 पर बनेगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl Cl2H2O, कहने का मतलब प्रोसीड्स थ्रू द इंटरमीडिएट्स, किस इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी। देखो HOCl में क्या होता है बेसिकली कि HO- और Cl+ के अंदर ब्रेक होता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले Cl+ अटैक करता है,
तो अगर सीएल प्लस प्रोपीन पर अटैक कर रहा है तो सीएल प्लस मान लो अटैक करेगा यहाँ, तो पॉजिटिव बनना चाहिए अंदर की तरफ, आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सीएल है और पॉजिटिव बन गया अंदर की तरफ, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी, बस खत्म। पॉजिटिव अंदर ही बनना था आपका, क्योंकि जो आपका कार्बोकैटायन उसको स्टेबल होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे तो खत्म हो गए क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर्स के। आई होप आपको कुछ नया चीज़ हो सकता है सीखने को मिला हो, या मे बी आपको सारी चीज़ पहले से पता हो, बट बने रहिए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो एडवांस का आएगा। ठीक है, एडवांस हाइड्रोकार्बन में जो भी क्वेश्चन आए थे वो आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे, पहले सिंगल करेक्ट, फिर मल्टी करेक्ट, फिर इंटीजर टाइप। ठीक है, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाहर ना निकलें, स्टे होम, स्टे सेफ।